भाई साहब आया था बाहर, इन्होंने गाड़ी पकड़ ली पुलिस वालों ने, बस क्रॉस कर रही थी, रेड लाइट होगी पूरी ब्लॉक। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, गाड़ी का जो इंजन कवर होता है ना नीचे का, वो जब इंश्योरेंस में गई थी मेरी गाड़ी तो वो टूट गया था, तो वो जब से टूटा हुआ है तो उसमें से थोड़े बहुत चूहे वगैरह भी घुस जाते हैं, कि दिन तार तूर काट गए ना, ऐसे तैसे हो जाएगी गाड़ी की। सैम सैम देख सैम, और भी बेटा नीचे नहीं आना, ओए ओए नीचे नहीं आना, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है, नीचे नहीं आना, बाय बाय। तो जाता हूँ मैं फिर वहाँ पे अलवा पे, वो चेंज कराता हूँ, देखते हैं पड़ा होगा नहीं पड़ा होगा उस पर, ठीक है, दिखाता हूँ मैं तुमको अभी ये कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है नीचे से। भाई साहब आया था बाहर, इन्होंने गाड़ी पकड़ ली पुलिस वालों ने, बस क्रॉस कर रही थी, रेड लाइट होगी पूरी ब्लॉक, तीन गाड़ी मेरे आगे जा रही थी, वो तीन गाड़ी तो निकल गई, मैं रह गया, 500 रुपये मांग रहे अब देने पड़ेंगे, छोड़ ही ना रहे, कह रहे चलान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कह रहे तू बच्चा है इसलिए तेरे को छोड़ रहे हैं, ना तो बड़ा चलान बना रहे तेरा, ऐसे ऐसे करके कह रहे हैं। वो देख बुलेट वाले को रोक लिया, बुलेट वाले को ये वो खड़ी मेरी गाड़ी। हाँ तो भाई अच्छे बल्ला जा रहा था, चलान हो गया, दिमाग खराब हो गया, ये रहे सारे, इसने काटा है चलान, मूड खराब हो गया भाई, चलते हैं अब वापस, क्या बोलूं यार, ब्लॉक कर दिया पूरा यार ट्रक वाले ने, अब कहाँ से दिखेगा, पकड़ लिया इसने, चलान काट दिया पकड़ के, 500 रुपये ले लिए, तेल डलवा लेता था मैं 500 रुपये का, कोई ना चलो, अब मेरे साथ होता ही है ऐसा, होता है कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे कोई ना, चल भाई धन्नो चल। ए औरों को भी रोक लिया उन्होंने, गाड़ी आगे बीच में, नहीं औरों को भी रोक लिया, सबको रोको, चलान काट दो सबका, मेरा चलान कटा सबका काट दो आज, छोड़ो मन्ना, हट जा ट्रक वाले, तुम ही आते हो रास्ता ब्लॉक करवा दे तो चलान कटवा दिया मेरा, कोई नहीं ठीक है, मेरे को ना वैसे टॉपिक भी मिल गया, 500 रुपये में टॉपिक मिला है मेरे को, मैं ये थंबनेल वगैरह डालूंगा, मेरे को 500 रुपये में टॉपिक मिला है, ये मैं सोच रहा था मेरे पे टॉपिक क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, चलो ये टॉपिक मिल गया आज, मेरा चलान कटा टॉपिक, ठीक है, चलो मैं मोड़ता हूँ, करता हूँ बात फिर। ना तो भाई इंजन कवर मिला, 500 रुपये का चलान भी कट गया, दिन खराब चला गया पूरा, ट्रक वाला साला ब्लॉक करके बैठा है ऐसे करके, क्या करूं मैं, एक लड़की थी, एक लड़की क्रॉस कर रही रेड लाइट, हेलमेट पहन रखा था उसने, पुलिस वाला आगे खड़ा, मैंने बोला उसको वापस हो जा चलान काट रहे, सीधा ही उल्टी भग गई वो, हट जा भाई, सीधा उल्टी भाग गई वो, उसका चलान बचवा दिया मैंने, चलता हूँ यार, मेरा दरना दिमाग खराब हो गया यार, करता हूँ मैं बात थोड़ी देर में, ठीक है। सैम सैम चलान कट गया 500 रुपये का, 500 रुपये का चलान कट गया, सैम जी चलान कट गया, कुत्तू तो कुत्तू तू भरेगी चलान, तू भरेगी, मना कर रही है। तो भाई साहब अभी आ रहा है पापड़ी, पापड़ी को धमकी दिया मैंने, अगर तू नहीं आया तेरे घर पे आ जाऊंगा, वहीं पे सोऊंगा और व्लॉग बनाऊंगा, तो मेरी धमकी कामयाब हुई, तो वो अब आ रहा है, बुलाया था इसको आ गया, गम था मेरे को आज, थोड़ा रिलैक्स होएगा अभी तो। हाँ भाई गम था। 5000 का कटा है लेकिन पर्ची मिली है सिर्फ 500 की। I like it. तो कोई ना क्या हो गया, दे दे भाई थोड़े बहुत। मेरा पिछले हफ्ते कटा था। तेरा कटा था पिछले हफ्ते? अरे झूठ नहीं बोल भाई, सच्चा चैनल है। झूठ नहीं बोल, तो भाई करते कुछ जुगाड़ अभी, फिर मिलते बाद में, ठीक है। ये मैडम उठ के सुबह सुबह परेशान करने, सोने में दिया इसने सही से।
देगी तो निकल निकल यहां से निकल। ये क्या है, क्या पोजीशन है तेरी हैं? मैंने नई गाड़ी ले ली है YouTube मनी से। अरे मजाक कर रहा हूँ, दो सी गाड़ी है ये। तो इसके पास आए थे राहुल के पास, इसका मैट लगवा दिया, 70 मैट लगवा दिए इसके। जिसको भी लगवाने हो तुम सारे के सारे आ जाओ। मेरे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है लेकिन दो बंदे इस पर काम करवा गए। अब इसका और भी काम होगा। ये होंडा अमेज गाड़ी है ये। मस्त देखो मैट, देखो कितने सेक्सी लग रहे हैं इसके, दिखाता हूँ। देखो 70 मैट हैं, देखो पीछे वाले भी कितने सही लग रहे हैं, एकदम सही लुक आ रही है। अभी देखो ये गंदे पड़े हैं सीट का, मतलब ये जो भी है ठीक नहीं है। अभी सब बढ़िया होएगा इसका। इसका स्टीरियो भी पूछा है, इसका स्टीरियो भी चेंज होएगा। आ रहा हूँ, रुक जा। ये पूरा का पूरा लगेगा इसका, ये यहाँ से भी पूरा चेंज होएगा इसका। अभी इसके कवर वगैरह वो देख रहा है, ये रात क्लीन है, ये इसकी गाड़ी है, ये कवर वगैरह देख रहा है। तो अभी अंदर जा रहे हैं, बुला रहे हैं मेरे को, क्योंकि रेट भी देखना पड़ता है ना इसकी। बताता हूँ मैं, ठीक है अभी स्टार्ट करता हूँ मैं फिर। हाँ भाई भाई तेरे पास बंदे आ रहे हैं अभी। वीडियो तो बंदे की बात नहीं है, यूं बता तू दिखा क्यों नहीं रहा, सामान क्यों नहीं दिखाता है तू सही से। वो क्या कहते हैं उसको, ए क्या है वो, स्टीयरिंग का कवर, स्टीयरिंग कवर दिखा भाई, ब्लैक ब्लैक नहीं सब दिखा। हाथ से रैप करेगा, बहुत सारे कलर है, एक ब्लैक है, ग्रे है। ये रे भाई, है भाई कलर तो है, ये सही है। कौन सा ये भाई, क्लीन की गाड़ी। हाँ भाई निखिल का मैसेज आया। हाँ भाई फेमस हो गया। छोड़ छोड़ की बात नहीं करनी हमें। ना ना ये भी बढ़िया लगेगा भाई, ये भी सही लगेगा। सही लगेगा भाई ये भी, तो ब्लैक करवा ले भाई, ब्लैक ही बेस्ट रहेगा। हाँ ठीक है, बेस्ट रहेगा। प्राइस क्या है इसका, फ्री में है ये, क्योंकि बहुत सारी गाड़ी आ चुकी है इस पे, दो आ चुकी है, एक पे 16,000 काम हुआ है। अरे टोटल के लिए मैं बैठा हूँ ना। हम बैठे हैं टोटल के लिए। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ? ओए अभी लगवाते हैं इसका स्टीयरिंग पे, स्टीयरिंग लगवा के इसका, मतलब स्टीयरिंग का कवर है जो, ये देखो यहाँ पे लगेगा इसका कवर। अभी ये यहाँ पे इसका कवर लगेगा, कवर लगा के दिखाते हैं कैसी लगेगी। बाकी मैट बहुत सही लग रहे हैं इसके, मेरे को बढ़िया लगे मैट। जो मेरे मैट थे ना उसमें एक गोल्डन की जो ये होती है ना, क्या नाम है, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये गोल्डन से जो धागे हैं। अरे ब्लर क्यों हो रहा भाई, ये जो गोल्डन से धागे ना मेरे में, नहीं मेरे ब्लैक, अब ये गोल्डन से धागे ना अलग लुक्स दे रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो गाड़ी को प्यारी बनाती हैं, ठीक है। बाकी गाड़ी की ऐसी तैसी तो कर रखी है इसके पापा ने, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ये है, ये क्या है? अरे कहते क्या है भाई, बता इसे। अरे बता भाई, वहाँ जाके स्टीयरिंग कवर है भाई। अच्छा ये तू धागा मारेगा क्या ऐसे ऐसे करके? हैं सिलाई होती है इसकी, स्टिचिंग होती है। कितना टाइम लगा देगा तू इसको वो करने में? इसमें लगेंगे कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट मतलब पूरे होने में लग जाएंगे? हाँ, और इसकी जो फिनिशिंग है ना बढ़िया, एक नंबर की फिनिशिंग आएगी। अच्छा सारे के सारे ऐसे लगते हैं क्या? ये वो जो बांध बांध के लगते हैं सारे ऐसे लगते हैं वो? हाँ सारे धागे से। और जो अपना जो अपना जो स्टीयरिंग था जो हमने लगवाया था उसमें वो सेम सिलाई आएगी इसकी और इसकी। ओके ओके, लगाओ ब्रदर लगाओ। बाकी तेरी मैट अच्छी लग रही है, देखो इसमें ना ये गोल्डन है ना मेरे में, वो है भाई ब्लैक है। कपड़े का क्या कह रहा है? अबे चुरा है क्या है भाई, गाड़ी का साफ होता है, छुट्टी है गाड़ी की दीवारा। मैं गाली देना नहीं चाहता भाई, मत नहीं दे रहा मैं गाली। सही लग रहा है भाई, ऐसे ही ठीक है भाई, सिलाई मत लगा, हम खुद लगा लेंगे सिलाई। तू गाली क्यों दे रहा है भाई? अरे गाली मत दो भाई, मेरे परिवार वाले देखते हैं, छोटा छोटा बच्चा देखता है। अभी इसने बीच की उंगली दिखाई है, तेरे कस्टमर कटेंगे उससे। सॉरी 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 सॉरी। तेरे को काम धंधे में इंटरेस्ट नहीं है क्या? हाँ भाई क्या कर रहा है भाई राहुल? मैं स्टीयरिंग स्टीयरिंग को सिलाई कर रहा। कितना टाइम लगता है भाई लगाने में इसको? कम से कम 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट लगते हैं और मैं कुछ नहीं। और ये बता, ये यूं बता सारी बात छोड़, वो छोड़, यूं बता सिलाई कैसी आ रही है, फिनिशिंग कैसी आ रही है भाई?
इसलिए इसमें 15 मिनट लगती है, बिल्कुल एक नंबर। तो यू बताइए फिर निकले विकलेगी तो नहीं ना बाद में कहीं? नहीं, कितने टाइम का तू बोल रहा है कि ना निकलेगी? ये खूब चलता है, 2-3 साल आराम से चलता है। 2-3 साल चल जाएगा ये? आराम से चलेगा, कुछ नहीं बिगड़ता इसमें। अच्छा, दो एक साल चल जाएगा आराम से? ना सिलाई निकलेगी ना कुछ होगा। सिलाई निकली फिर नहीं निकलती सिलाई कभी? चल ठीक है, मैं थोड़ा काम कर लूँ, बुला मन्ना मेरे को बार बार में। ये स्टीयरिंग रैप किया हमने, फिनिशिंग देखो, सिलाई वगैरह सब कुछ बता दो। सिलाई बहुत अच्छी है, जैसे कंपनी करके देती है आपको वैसे उस तरीके का रैप करके दिया है। और आप इसको खुद देख सकते हो, इसकी जो सिलाई की है हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। टाइम लगता है 15 से 20 मिनट लगती है इसको रैप होने में, और 350-400 रुपये में आपको ये मिल जाता है। 350-400 पब्लिक को गुमराह नहीं कर, नहीं 350 में 400 तक का लास्ट मिल रहे हैं, 350 तक का दे देते हैं लास्ट। उल्टी बात नहीं कर, 350-400 भाई खत्म बात। भाई 300 में दे देंगे, जो भाई की वीडियो देख के आएगा उसको 300 में भी दे देंगे। एक नंबर की ग्रिप बन गई इसकी। तो भाई ये लग गया इसका, क्या कहते हैं, स्टीयरिंग कवर लग गया भाई इसका। ये तेरे इसके मैट लग गए भाई 70। राजी खुशी है भाई। और अगर एक चीज और बता दूं, तुम अगर एक साल में गाड़ी की माँ बैंड करवानी हो क्लीन के बाप को दे दो। एक साल में गाड़ी की ऐसी ऐसी कर देगा जैसे बंजर हो रखी है, ऐसी कर रखी है। साफ नहीं कर रखी यार, बस साफ नहीं, साफ नहीं कर रखी भाई। साफ तो है, साफ तो है, साफ तो है भाई, गाड़ी साफ तो है। अगर ऐसी ऐसी करवानी हो इसके पापा को गाड़ी दे दो, ऐसी करके दे देगा। डिग्गी में क्या पड़ा लाश गिर। अच्छा अरे भाई चलो भाई अब चलते हैं घर। बाकी काम अच्छा है यार इसका, लड़के का बढ़िया काम है इसका। यहाँ पे कटाया था मेरा चलान भाई 5000 रुपये। तो भाई उसकी गाड़ी का काम करा दिया, एक गाड़ी अपनी धन्नो, अभी धन्नो निकलेगी बाहर। तो भाई मैं बैठा था गाड़ी में बैठा था अपना आराम से, तो सोचा व्लॉग ही अपलोड कर दूं। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, उसकी गाड़ी ठीक करवाई, मतलब ठीक मतलब उसके मैट लगवाए जो तुमको दिखा दिया था मैंने उसमें व्लॉग में, मैट वगैरह ठीक करवाए। फिर मैंने अपनी गाड़ी मतलब धुलवाई थी अंदर से पूरा, मतलब चूहों वगैरह भी घुस रहा था इसमें। यार मेरे को पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, पार्किंग देखनी पड़ेगी पार्किंग कहाँ है, क्योंकि प्लॉट के सामने जो मेरा घर है, प्लॉट के सामने वो है क्या नाम है, खाली प्लॉट है, उसमें बहुत ज़्यादा गंद हो रहा है, गंद मतलब जानवर वगैरह जो भी हैं वो हो रहे हैं उसमें, और वो पूरा मतलब ख़राब हो रखा है। अब करना ऐसा पड़ेगा कि पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, वरना जो गाड़ी की वायरिंग है उसकी पूरी की पूरी ऐसे ऐसी हो जाएगी। पार्किंग लक्ष्मण विहार में फ़िलहाल तो है नहीं, फुल पड़ी है। अब देखना पड़ेगा पार्किंग वगैरह कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है, सब कुछ देखना पड़ेगा। और बाकी मैं ये सोच रहा हूँ प्रॉपर कि पूरी गाड़ी मैं चेंज करवा दूँ। चेंज करवाने का मतलब है इंटीरियर पूरा चेंज करवा दूँ, रैप करवा दूँ, बड़े तरीके से प्रॉपर ठीक करवा दूँ। अब बात ऐसी है कि मतलब पूरे मतलब गुड़गांव में जो बंदे हैं उन्होंने करवा रखी है, रैप करवा रखी है गाड़ी, लेकिन उनका मॉडिफिकेशन थोड़ा अलग है। मॉडिफिकेशन बोले तो मतलब इन द सेंस उसका बोलते हैं उनका मॉडिफिकेशन प्रॉपर पूरा अलग है, और वो मतलब बहुत अलग अलग उससे कोई रैप करवा रहा है कुछ करवा रहा है पूरा अलग है उनका मॉडिफिकेशन वगैरह। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रैप करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, रैप करवाऊँगा तो मैं पूरी वो करवाऊँगा। और गाड़ी का पूरा टोटल है, टोटल जो एस्टिमेट बैठा है क्लीन कितने का बैठा एस्टिमेट अपना, 80 प्लस ही जाएगा, 80 प्लस ही जाएगा, बस जाएगा 80 प्लस जाएगा गाड़ी का एस्टिमेट। उसमें क्या होगा, क्लीन का तो अपना होगा, बाहर का हो जाएगा, रैप होएगा, कलर छोड़ कलर बताना नहीं अभी दुनिया को, और पूरा अपना दिखाता हूँ। मुश्किल ही करा रखा है किसने, जो रैप मतलब रैप तो करवा रखा है यार, नहीं जो रैप का कलर जो हम करवाएंगे। हाँ हाँ वो तो नहीं है, वो तो देखा नहीं है, बहुत रेयर है, मतलब देखा ही नहीं है भाई, रेयर क्या बोल रहे हैं, देखा ही नहीं है यार भाई। मतलब मैं तुमको बताता हूँ मैं क्या क्या करवाने का सोच रहा हूँ, तुम्हें भी बताता हूँ कि अगर होएगा तो कुछ इस टाइप का होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो भाई एक तो मीटर वगैरह तो चेंज है, सब कुछ टॉप मॉडल का है इसका। एक तो ये स्टीरियो चेंज हो जाएगा जो होता है ना प्रॉपर लैंडिंग वाला, समझ गया तू, टेस्ला वो नहीं बताया, टेस्ला वगैरह टेस्ला ही होता है वो जो
लॉन्ग स्क्रीन है ना, वो टेस्ला में लग जाएगा ना अपने में। एक तो इसका पूरा ये यहाँ तक ही आएगा, ज्यादा लंबा भी नहीं आएगा, इतना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का लग जाएगा ना अपनी गाड़ी में, मतलब खर्चा आ जाएगा लेकिन लग जाएगा। और जो ये पोर्ट है वो नीचे चले जाएंगे, वो उसी में इनबिल्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिक। पूरा ही आता है क्या वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। हाँ चलो ये पूरा चेंज हो जाएगा। और जो एसी का है ना, ये चीज़ है जो ये प्रॉपर चेंज हो जाएगी। और बाकी जो जो अपने सीट कवर लग रहे हैं ये पूरे प्रॉपर, ये भी कवर चेंज होंगे, सीट कवर के चेंज। हाँ ये भाई ये बताऊँ क्या, क्लीन मैंने है ये साइड के डोर, और जो मैंने डैशबोर्ड है ना पूरा डैशबोर्ड चेंज होगा। डैशबोर्ड होने के बाद उसमें लाइटिंग लगेंगी जो तेरी गाड़ी में, अमेज में, अमेज की जो लाइटिंग लगेगी ना भाई तू ध्यान रखेगा, अमेज की जो तेरी लाइटिंग है ना। अरे ये है, ये देख, यहाँ पे ना उठ ही नहीं रहा, यहाँ पे उठ ही नहीं रहा तेरी गाड़ी में ना, यूं स्पेस है ऐसे ऐसे लगेगी चिपकने वाली लाइटिंग का स्पेस है लगवा लियो। तेरा 1200 रुपए की तो तेरी लाइट लगेगी, तेरी वो कंट्रोल होती है वो कौन सी, रिमोट से, रिमोट नहीं होता, तेरे फोन से कंट्रोल होती है वो लाइट। अच्छा ऐप में, ऐप डाल के, ऐप डाल के, ऐप डाल के वो ऊपर तेरा बटन क्या जाएगी, पहले यहाँ से जाएगी फिर तेरा प्रॉपर इस डोर से पूरे डोर में जाती है। मैं बताता हूँ तेरे को क्या होता है, अब लोग बताऊँ क्या करवाते हैं, लोग करवाते हैं मैं बताता हूँ। जो मीटर है ना, मीटर के यहाँ से करवा ले, यहाँ तक खत्म कर देते हैं, यहाँ तक खत्म मत करे तो बताऊँ क्या करियो, पूरी गाड़ी में लगवा के। हाँ हाँ पूरी गाड़ी वो ठीक होता है और वो खराब भी नहीं होता। सब में बड़ी बात है तेरी अमेज गाड़ी है ना, तो तेरे को अगर मान ले अगर वो खराब होगी ना, देख तू यूं पकड़ेगा उसको ऐसे हटा निकल जाएगी। अब मेरी में क्या है, मेरी में क्या है, मेरी में ये लग गई ना वो तो क्या करेंगे, फेवी स्टिक होती है जो तेरे में चिपकने वाली लगी। हाँ, अगर अभी लगवाएगा डैशबोर्ड ही खराब है पूरा भाई, मेरा फिट होने वाला, तेरे फिट होने वाली लगी वो ऐसे लगेगी, मेरे में पूरी वो लगेगी, मेरी पूरी गाड़ी खराब हो जाएगी। इसलिए मेरे को पूरा डैशबोर्ड चेंज करवाना पड़ेगा, डैशबोर्ड चेंज कराना पड़ेगा पूरा, पूरा डैशबोर्ड चेंज करवाना पड़ेगा यार पूरा प्रॉपर। और एक वो क्या होता है ऊपर वाला, अपना ऊपर वाला क्या होता है वो, क्या यहां स्टार लाइटिंग, नहीं 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 अबे ये, अरे वो पीछे वाला स्पोर्ट्स वाला ऊपर वाला वाइजर, अबे ऊपर वाला क्या होता है ये वाला स्पॉइलर, 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 स्पॉइलर लगवाना गाड़ी में, ये स्पोर्ट्स कार होना चाहिए। और बाकी अब करते हैं हम प्रॉपर व्लॉग को एंड, सो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब बोल तो भाई, शेयर भी तो करेंगे ठीक है, सब्सक्राइब एंड शेयर वो तो हमने कर रखा है। बाय, लव यू, आई लव यू आकाश, आई लव यू, आई लव यू। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।